प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें हम टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने उस दिन छोड़ा था फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो हैं डिपेंड करते हैं। आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके ऊपर कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, एट एनोड क्या बनेगा, एट कैथोड क्या बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं। सबसे पहला है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस जो है इलेक्ट्रोलाइट की किस स्टेट में कर रहे हो, क्या आप मोल्टन स्टेट में कर रहे हो या आप एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे हो। अगर आप मोल्टन स्टेट में कर रहे हो तो प्रोडक्ट अलग बनेंगे, और अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे हो तो प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा अदर फैक्टर्स के ऊपर। और थर्ड जो है वो है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड की, जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, जो आप रॉड यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस में, उसकी नेचर कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है, क्या वो इटसेल्फ रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, उनकी एक्टिविटी आयन से ज्यादा है या कम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो मोल्टन स्टेट में करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब प्रोडक्ट हमारे हमेशा याद रखिए क्या बनेंगे, जो आयंस फॉर्म होंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट से उसी आयन से प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन स्टेट में, आपको पता है NaCl सोडियम क्लोराइड क्या क्या आयन देता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जैसे ही आप क्या करोगे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो आयन्स हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो एनोड के ऊपर कौन चला जाएगा, एनोड की तरफ जाते हैं एनायंस, तो यहाँ पे एनायन कौन है हमारा, क्लोराइड आयन कहाँ चला जाएगा, एनोड के ऊपर चला जाएगा, और वहां पे अपने चार्ज को छोड़ने की कोशिश करेगा ताकि वो क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। तो एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन रेडिकल बनेगा, जो स्टेबल नहीं होता है, क्लोरीन एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता है, हाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है। तो जो प्राइमरी चेंज हुई इसमें, अब ये दो क्लोरीन रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, एक और एक ये दो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो सेकेंडरी चेंज आ गया इसमें तो ये स्टेबल है। तो एट एनोड क्लोरीन फॉर्म होगा। अब क्लोरीन क्या है, गैस है, तो गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी कहाँ पे, एनोड के ऊपर। सिमिलरली अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, कैटायन जाएंगे, कैटायन कौन है हमारा, सोडियम आयन है, सोडियम आयन जाएगा कैथोड के ऊपर, तो रिएक्शन क्या होगी वहां पे, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, जो क्लोराइड रेडिकल ने, सॉरी क्लोराइड आयन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन जहां से गेन करेगा तो बन जाएगा सोडियम एटम बनेगा, ये स्टेबल है, सोडियम सॉलिड बन गया तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है एट एनोड क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसकी, मोल्टन स्टेट में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो मोल्टन स्टेट में अगर आप करते हैं तो प्रोडक्ट किससे बनेंगे, जो आयंस किसके होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, जहां दो ही आयन थे, एक सोडियम आयन था और दूसरा क्या था, क्लोराइड आयन, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, एक क्लोराइड से बना क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया और एक सोडियम से बना, सोडियम आयन से बना सोडियम एटम बन गया। तो सोडियम जहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड है तो मैंने बोला था आपको डिपॉजिट हो जाता है, और अगर गैस है तो लिबरेट हो जाएगी। अब अगर हम इसी साल्ट की, इसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, जाने की अगर आप वाटर में पहले डिजॉल्व करते हो फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तब क्या होगा। अब इसमें ध्यान देने लायक बात है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोशिएट होगा, उसके आयन्स बनेंगे, साथ में वाटर के आयन भी प्रेजेंट होंगे, वाटर भी क्या देगा आपको, वाटर जब ब्रेक होगा डिसोशिएट होगा क्या देगा, एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव आयन। नो डाउट वाटर जो होता है वो इतना ज्यादा डिसोशिएट नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट उसके आयन प्रेजेंट होंगे। अब देखिए एट एनोड क्या होगा, आपको पता है एट एनोड एनायन जाएंगे, अब हमारे पास दो एनायन, अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लें तो एक आ जाएगा क्लोराइड आयन और दूसरा आ जाएगा हमारा ओ एच नेगेटिव आयन। तो एट एनोड आयन्स कौन से होंगे, क्लोराइड आयन और क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह से कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैटायन जाएंगे, अब हमारे पास कैटायन भी दो हैं,
एक तो आ गया आपका सोडियम क्लोराइड से Na पॉजिटिव, दूसरा वाटर से आ जाएगा H पॉजिटिव। जब वाटर जो है डिसोसिएट होता है तो क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है। अब यहाँ पे कंपटीशन है बच्चे, एनायन के जो है दो तरह के हैं, एक क्लोराइड है और एक हाइड्रोक्साइड है। एनोड के ऊपर दो आयन इकट्ठे हो गए हैं, इसी तरह से कैथोड के ऊपर भी दो आयन इकट्ठे हो गए हैं, एक हो गया Na पॉजिटिव, दूसरा हो गया है H पॉजिटिव। अब इनके बीच में कंपटीशन है कि कौन अपना चार्ज छोड़ेगा, कौन डिस्चार्ज होगा। जिसको अपना चार्ज छोड़ने के लिए कम काम करना पड़ेगा वो जल्दी अपने चार्ज को छोड़ देगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जहां वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इतना तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एट कैथोड क्या होती है, रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि नेगेटिव आयन जो होते हैं एनोड पे जाते हैं तो वो अपना चार्ज कैसे छोड़ सकते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव बाहर जाएगा तब वो अपना चार्ज छोड़ पाएंगे। इसी तरह से कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब तक वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे तब तक उनका चार्ज जो है वो खत्म नहीं होगा, वो न्यूट्रल नहीं होंगे। तो कैटायन जो है वो रिड्यूस होंगे और जो एनायंस हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड के ऊपर, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड के ऊपर। अब यहाँ पे कंपटीशन आ गया है, एक क्लोराइड आयन है, एक हाइड्रोक्साइड आयन है एनोड के ऊपर। अब दोनों के बीच में फाइट है कि कौन चार्ज अपना छोड़े, कौन ऑक्सीडाइज हो। तो ये डिपेंड करेगा किसको काम कम करना पड़ेगा अपना चार्ज छोड़ने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। तो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो होगा वो अपना चार्ज छोड़ेगा। अब क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों में से क्लोराइड आयन का जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल है वो लो है, इसलिए प्रोडक्ट जो एट एनोड बनेगा वो क्लोराइड आयन के डिस्चार्ज होने से बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन के डिस्चार्ज होने से नहीं बनेगा। तो एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, क्लोराइड आयन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन रेडिकल बनेगा, दो क्लोरीन रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा जो गैस है, तो एट एनोड क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट देखिए, एट एनोड तो वही बन गया जो मोल्टन स्टेट में बना था, यहाँ कोई फर्क नहीं आया है। अब हम बात करते हैं, जब हम कैथोड पे देखते हैं वहां पे भी दो आयन है, एक एच पॉजिटिव आयन है और दूसरा क्या है, सोडियम पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में भी कंपटीशन है। अब एच पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है जहाँ सोडियम पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट किसका बनेगा। तो एच पॉजिटिव आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो लो है, किससे, सोडियम आयन से। तो एट कैथोड जो है किसकी रिडक्शन होगी, एच पॉजिटिव आयन की। तो एच पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, हाइड्रोजन रेडिकल, जे भी स्टेबल नहीं होता है, दो हाइड्रोजन रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी एट कैथोड। देखिए जहां पे प्रोडक्ट में चेंज आ गई है, अगर हम मोल्टन स्टेट ले रहे थे सोडियम क्लोराइड की तो एनोड पे बन रही थी क्लोरीन गैस, कैथोड पे बन रहा था सोडियम। बट इस केस में देखिए, एनोड के ऊपर तो प्रोडक्ट वही रहा, क्लोरीन गैस ही बनी, बट कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के ही आयन नहीं होंगे, हमारे वाटर के भी आयन उसमें होंगे, और प्रोडक्ट किससे बनेगा, जिस आयन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो होगा, चाहे वो एनायन है चाहे वो केटायन है। यही मैंने लिखा है, इन केस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट की किस में करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपस में रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका हाई है किसका लो है ऑफ डिफरेंट आयंस, दैट इज आयंस फाउंड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज फ्रॉम सॉल्वेंट आल्सो। तो किनके बीच में, जो आयन इलेक्ट्रोलाइट से बन रहे हैं और किससे बन रहे हैं, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट यहां पे हमारा क्या है, वाटर है। आयंस विद लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल विल गेट डिस्चार्ज। तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, इन कंपैरिजन टू द आयंस विद हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल, जैसे हमने नीचे एग्जांपल दी। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका लो है किसका हाई है जी, हमें कैसे पता चलेगा, तो एट दैट मोमेंट हम आपको नहीं बता सकते, आगे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करना है, वहां पे हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पे आपको बताएंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, और दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो वहां पे आपको बताएंगे कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा कौन सा नहीं होगा।
बेसिकली यहाँ पे आपने सिर्फ डिस्चार्ज पोटेंशियल की ही बात करनी है। ऐसे आप याद करने के लिए कह सकते हो कि एच पॉजिटिव और सोडियम आयन में से सोडियम आयन हैवियर है, वो उतना फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, एच पॉजिटिव लाइटर है वो मूव कर पाएगा, तो वो जल्दी पहुंचेगा कैथोड के ऊपर, उसकी रिडक्शन होगी। क्लोरीन और अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें, मास दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, तो यहाँ पे ये फंडा नहीं लगेगा, पर फिर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लोरीन जो है वो एक एटम है, OH जो है वो दो एटम्स हैं, तो एक एटम जल्दी फास्ट करेगा, दौड़ेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। आगे इसका हम जो डिटेल में है, जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे वहाँ पे आपको बताएंगे डिटेल में किसकी ऑक्सीडेशन होनी है, किसकी रिडक्शन होनी है। नेक्स्ट फैक्टर है कि हम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। जो इलेक्ट्रोड है उसका मटेरियल कैसा है, क्या वो इनर्ट है या वो रिएक्टिव है। इसमें हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, और फिर हम करेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। देखिए दोनों में क्या फर्क आता है प्रोडक्ट में। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम जो होती है ये नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनर्ट कह सकते हैं इसको। अब आपने कॉपर सल्फेट का पानी में सॉल्यूशन लाया है तो हमारे पास कॉपर भी डिसोशिएट होगा, तो कॉपर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा। पीछे हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी, वो भी पूरी तरह से डिसोशिएट होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे आपने ये वाला एरो यूज करना है, वो पीछे मैंने गलती से ये वाला यूज किया, उसकी जगह आपने ये वाला यूज करना है। वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए यहाँ पे आपने ये डबल हेडेड एरो यूज करना है। तो ये बनेगा एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और यहाँ से बनेगा कॉपर टू पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव। अब एनोड के ऊपर हमारे पास कौन कौन से आयन्स आएंगे, एनायन एक तो हाइड्रोक्साइड आयन, दूसरा कौन सा आएगा सल्फेट आयन। इसी तरह से कैथोड के ऊपर कौन से आयन जाएंगे, कैटायन जाएंगे। कौन कौन है कैटायन, एच पॉजिटिव और कॉपर टू पॉजिटिव है। अब जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल है हाइड्रोक्साइड आयन का वो लोअर है किससे, सल्फेट आयन से, तो इसलिए एनोड के ऊपर कौन डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा ना कि सल्फेट आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जब डिस्चार्ज होता है क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने 4 लिखा है, पहले आप एक एक रखिए समझने की कोशिश कीजिए। तो हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड रेडिकल बनेगा। ये इतना स्टेबल नहीं होता है, ये प्राइमरी चेंज है, इसके बाद इसमें क्या आएगी सेकेंडरी चेंज ताकि स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो वो कैसे होगा, चार जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड रेडिकल है ये कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन। वाटर ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या है सेकेंडरी चेंज आ जाएगी इसमें। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हमारा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बनता है प्राइमरी चेंज पे तो देन सेकेंडरी चेंज भी आएगी। अब यहाँ पे देखिए चार हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होंगे तब ये बनेगा, तो यहाँ पे चार OH रेडिकल चाहिए, तो यहाँ पे चार लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी स्टेबल को बैलेंस करने के लिए चार लेने पड़ेंगे। तो एक हाइड्रोक्साइड एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो चार कितने करेंगे, चार लूज करेंगे, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। अब इसी तरह से कैथोड के ऊपर भी हमारे पास दो तरह के आयन है, एच पॉजिटिव और क्या है कॉपर टू पॉजिटिव आयन है, बट कॉपर टू पॉजिटिव आयन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जो है वो लो है किससे, एच पॉजिटिव आयन से। तो एट कैथोड कौन जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव जाएगा ना कि एच पॉजिटिव, तो कॉपर टू पॉजिटिव गेन करेगा, इसकी रिडक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। वाटर यहाँ पे लिक्विड है, ऑक्सीजन क्या बनेगी गैस, और कॉपर यहाँ पे क्या बनेगा सॉलिड बनेगा। अब यहाँ पे अगर चार इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो चार ही गेन होंगे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा न्यूट्रल होने के लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज है इसलिए हमने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को दो से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दो कॉपर चार इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये गिव्स 2 कॉपर, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2, इसको क्या कर लेंगे 4 और इसको 2 कर लेंगे, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम करेंगे यही इलेक्ट्रोलिसिस करनी है हमने, व्हाट हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं यूज करनी है, क्या यूज करनी है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करनी है, ऐसे कॉपर इलेक्ट्रोड ही यूज करके देखेंगे हम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चे अगर हम कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं और इलेक्ट्रोड कौन सी यूज करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड करते हैं, तो क्या होगा,
सिमिलरली आपको पता है जैसे कॉपर सल्फेट है वो आयन देगा कॉपर टू पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन देगा, एक्वा सॉल्यूशन लिया तो वाटर भी टूटेगा वो भी देगा एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन देगा, एट एनोड आयन कौन से आएंगे ओ एच नेगेटिव और सल्फेट आयन होगा, इसी तरह से कैथोड के ऊपर कौन से आयन होंगे एच पॉजिटिव और कॉपर टू पॉजिटिव आयन। अब एट एनोड रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे देखिए ओ एच नेगेटिव है और सल्फेट है और हमने इलेक्ट्रोड किसकी यूज की है कॉपर की, अब OH को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, सल्फेट को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो हमने पहले ही आपको कंपैरिजन बता दिया कि OH का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो है सल्फेट के मुकाबले में, तो OH नेगेटिव इजिली ऑक्सीडाइज होता है किसके मुकाबले में सल्फेट के मुकाबले में, बट कॉपर जो है कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो OH के मुकाबले में और ज्यादा इजिली क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है, तो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है वो OH को इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देगी वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, ये फर्क आएगा इसमें जब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, तो अगर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया है अब OH को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं सल्फेट को करने हैं या कॉपर को करने हैं, तीनों ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तीनों का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कंपेयर करना है तो सबसे लोएस्ट किसका है वो है कॉपर का, तो यहाँ पे ना OH लूज करेगा इलेक्ट्रॉन ना सल्फेट करेगा, कॉपर जो इलेक्ट्रोड ली थी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी कॉपर आयन बनेंगे और कॉपर आयन किसमें चले जाएंगे सोल्यूशन में चले जाएंगे, और एज कैथोड क्या होगा कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड बन जाएगा, तो एट एनोड डायरेक्शन क्या होगी कॉपर विल लूज इलेक्ट्रॉन कॉपर टू पॉजिटिव बन जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर गिव्स कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन जो एक्वस में पानी में चला जाएगा, और एज कैथोड कौन गया था वहां पे दो आयन थे एक एच पॉजिटिव था कॉपर टू पॉजिटिव था, तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कॉपर टू पॉजिटिव का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो होता है तो उसी की रिडक्शन होगी कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो ये था कि फैक्टर्स किस किस के ऊपर डिपेंड जो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहां पे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा कि सर को कैसे पता चल रहा है किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो है किसका हाई है, तो हम जो बाद में मैंने आपको पहले बोला हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन कि किसी इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की, टेंडेंसी टू लूज को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और टेंडेंसी टू गेन को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, अब आगे जाके हम डिटेल में करेंगे, हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एच पॉजिटिव आयन है अगर उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रखा गया उसको हम जीरो जीरो वोल्ट लेते हैं, ये है जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले सकते हैं इसको, इसी तरह से जो हमारा कॉपर टू पॉजिटिव है कॉपर टू पॉजिटिव जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आता है 0.34 और एच पॉजिटिव का कितना है एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इसका है एक मिनट इसको यहाँ पे एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जब बनेगा एच यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आता है वो आता है 0.0 और अगर कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसका आता है प्लस 0.34, तो रिडक्शन पोटेंशियल में हमने देखना है आप यहाँ पे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल को छोड़ देना आप रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, तो कॉपर और हाइड्रोजन के मुकाबले में किसका हाई है कॉपर का हाई है, तो कॉपर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एच पॉजिटिव, तो ये हम डिटेल में वहां पे करेंगे, अभी फिलहाल जहां पे डिस्कस करना बनता नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, जब आप ये टॉपिक कर लेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या लिखने हैं। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो बच्चे अभी तक आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं, तो अगर आप बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं चाहे उसके मोल्टन स्टेट में या उसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो माइकल फैराडे साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1833 में ये लॉ दिए हैं जिनको हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, बेसिकली उसने काम किया कि जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही है जहाँ लिबरेट हो रही है किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं क्या पास करके इलेक्ट्रिसिटी पास करके उनके बीच में क्या रिलेशन है कितना करंट पास करें कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है कितना अमाउंट लिबरेट होता है, तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला
माइकल फैराडे ने किसके बीच में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट और अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें किसी सबस्टांस का मास डिपॉजिट हो रहा है, सपोज कर लीजिए 10 ग्राम डिपॉजिट हो गया, आप उसमें करंट पास किया 2 घंटे के लिए, अब आपने फिर उसको 3 घंटे के लिए पास किया, फिर 4 घंटे के लिए, क्या वो मास जो डिपॉजिट हो रहा है वो 10 से बढ़ेगा कम होगा? यही रिलेशनशिप है जो माइकल फैराडे ने दिया है। तो माइकल फैराडे ने हमारे पास दो जो है रिलेशन दिए हैं, एक को हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरे को हम बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, एग्जाम में 99% चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछने के कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने दोनों लॉ डिस्कस करने हैं, पूरे 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जी। तो पहले बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जी लॉ क्या कहता है कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, कितनी अमाउंट लिबरेट होगी किसी सब्सटेंस की जब हम क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। तो ये लॉ कहता है जितनी ज्यादा देर तक, जितनी ज्यादा क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास होगी उतना ही अमाउंट जो है सब्सटेंस का ज्यादा डिपॉजिट होगा, जाने की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वो सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट। तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट और एक्वो सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट है कि कितना मास डिपॉजिट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, अगर हम मान लें W क्या है, मास है सबस्टांस का जो उसने डिपॉजिट होना है जहां लिबरेट होना है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो इसको हम प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो आपको पता है कॉन्स्टेंट लगता है, तो W क्या आएगा, इक्वल टू ZQ। ZQ क्या है, Z क्या है, वेयर Z इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन यहीं से निकल जाएगी। अगर हम Q को 1 कूलम लें तो Z किसके बराबर आ जाएगा, W के पास बराबर आएगा। इट मीन Z क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है जो डिपॉजिट होता है जहाँ लिबरेट होता है जब 1 कूलम आप इलेक्ट्रिसिटी का पास करते हो। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस समय कितना भी मास, उसका 2 ग्राम डिपॉजिट हो 3 हो, वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्वेशन सेकंड से W किसके बराबर है, ZQ। अब आपको पता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर होती है, I × T, क्योंकि I किसके बराबर होता है, Q/T होता है, यहाँ से Q किसके बराबर आएगा, I × T। फिर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर और T क्या है, टाइम इन सेकंड। करंट का यूनिट आपको पता है एम्पियर होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज कितना पास कर रहे हैं। तो यहाँ से Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, W किसका बढ़ेगा, Z × I × T, इसको थर्ड मान लीजिए। अब हम डेफिनेशन निकालेंगे, पहले मैंने आपको बता दी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम Q रखते हैं 1 कूलम, जब हम I रखते हैं 1 एम्पियर, टाइम रखते हैं 1 सेकंड, तब W किसके बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन थर्ड से आ जाएगा Z के बराबर आ जाएगा, और सेकंड से भी किसके बराबर आएगा, Z के बराबर आएगा। तो W = Z, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ से Z क्या हुआ, W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, कब, जब हम कितना चार्ज पास कर रहे हैं 1 कूलम, जहाँ कितना करंट पास कर रहे हैं 1 एम्पियर का 1 सेकंड के लिए, कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड और
when current of 1 ampere is passed through the electrolyte for 1 second. तो ये definition आपने याद कर लेनी है एग्जाम में बहुत बार ये एक नंबर की या दो नंबर की आपको पूछ लेते हैं. और जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है. नेक्स्ट हम करेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हम दो सॉल्यूशन जहां दो से ज़्यादा सॉल्यूशन आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो उस समय जो हर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर अमाउंट डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? उन्हीं सबस्टांस के इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इज पास थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर अलग अलग हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उनके सॉल्यूशन हमने लिए हैं कनेक्ट किए हैं इन सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज, देन द मासेस ऑफ द सबस्टांस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो मास डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? उन्हीं सबस्टांसेस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें जहां पे हमने एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और दूसरा लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसको हमने कनेक्ट किया है इन सीरीज का मतलब है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ना है. तो यहाँ पे हमने ऐसे किया है, ये आज का एनोड है और ये क्या कैथोड है और ये इसका कैथोड है और इसका क्या एनोड है, इनको हमने इस तरह से जोड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन सीरीज. तो अगर हम ये दो सॉल्यूशन लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, तो मास ऑफ सिल्वर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैथमेटिकली हम क्या क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कितना होगा? दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना होगा? दैट विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. तो यहाँ पे हमने रेशियो लिखी हुई है बेसिकली, जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. इसको हम फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसकी हेल्प से इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू आता है अभी पीछे किया. तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, मान लीजिए सिल्वर का मास कितना है डब्ल्यू वन ग्राम है, तो किस तरह आएगा? जेड वन इंटू क्यू. और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना आएगा? डब्ल्यू टू आई, मान लीजिए इसको जाएगा जेड टू क्यू. क्यू हमने दोनों में सेम रखा है क्योंकि स्टेटमेंट में ही लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या पास कर रहे हैं, हम सेम पास कर रहे हैं. तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जी हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डब्ल्यू वन इक्वल टू जेड वन क्यू एंड डब्ल्यू टू इक्वल टू जेड टू क्यू आ जाएगा. तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मास ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रोड लिया है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा लिया है कॉपर सल्फेट, तो उस पर अप्लाई करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, तो मान लीजिए डब्ल्यू वन जो है वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है वो क्या आ जाएगा? जेड वन क्यू आ जाएगा. इसी तरह से कॉपर का जो वेट डिपॉजिट होगा वो इसको मान डब्ल्यू टू है, किस तरह जेड टू क्यू आएगा. यहाँ क्यू क्यू सेम रखा है क्योंकि हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. जेड वन और जेड टू अलग अलग हैं क्योंकि जेड वन ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर का है और ये किसका है? कॉपर का है. ये अलग अलग आएंगे, ये सेम नहीं आएंगे. इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट बढ़ेगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट आएगा, जेड वन अपॉन जेड टू क्यू क्यू कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा जेड वन जेड टू. अब आगे जाके आपको हम सिखाएंगे जेड वन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किस तरह होता है, जो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 जो कूलम है इलेक्ट्रिसिटी का. बेसिकली वन फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है. तो वहां से जो ड्राइव होगा आगे जाके हम बात करेंगे. इसी तरह से जेड टू किस तरह अप्लाई हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500 वेयर ई वन ई टू क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर रिस्पेक्टिवली. तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्वेश्चन थर्ड में, तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड क्या आएगा? ई वन अपॉन 96,500 ई टू अपॉन 96,500 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा ई वन अपॉन ई टू. देयरफॉर मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डब्ल्यू टू क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. तो यहां से फैराडे सेकंड लॉ प्रूव हो जाएगा
कि मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली पॉइंट टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सबस्टांस। तो ये था फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। नेक्स्ट हमने करना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्या निकला हमें जहाँ से, क्या नॉलेज मिलती है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने सॉल्यूशन चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट बताया था। उस वीडियो को दोबारा से देखें, मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, उसको दोबारा से देखिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं एडिशनल वीडियो इसका दोबारा से बना के डाल दूंगा। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवाया, चलो थोड़ा सा फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर अलग से वीडियो छोटी सी क्या बनाएंगे इसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मान लीजिए हमारे पास जो है जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, कोई साल्ट लिया हमने, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया सोडियम का कोई साल्ट है, तो इसकी मान लीजिए कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम बन जाएगा एटम। तो यहाँ पे एक एटम सोडियम आयन का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक सोडियम एटम बन रहा है। अगर हम ये एक मोल लेंगे, ये भी एक मोल लेना पड़ेगा, ये भी एक मोल, यानी कि एक मोल सोडियम आयन को एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए एक मोल सोडियम एटम बनाने के लिए। इस तरह अगर हम कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक कैल्शियम बनेगा, यानी कि एक कैल्शियम आयन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए कैल्शियम एटम बनाने के लिए। अगर ये इसका एक मोल लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, टू मोल चाहिए, तब ये एक मोल बनेगा। सिमिलरली अल्यूमिनियम का हमने एक आयन लिया, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन करेंगे ऐड तो बनेगा एक अल्यूमिनियम एटम। अगर ये एक मोल लेते हैं, ये तीन मोल लेने पड़ेंगे, ये हमें एक मोल लेना, ये हमारा एक मोल बनेगा। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, अगर हमारे पास जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोड पे हो रही है उसमें एम एन पॉजिटिव आयन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, एन इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके एक मोल बनाने के लिए। तो इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व्स एम एन पॉजिटिव आयंस देन पासेस ऑफ एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट वन मोल ऑफ दैट मेटल, तो एक मोल डिपॉजिट करने के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन के पास करने पड़ेंगे, एन मोल्स पास करने पड़ेंगे, अगर मेटल के ऊपर क्या चार्ज है, एन पॉजिटिव आयन, एन पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन किस तरह होता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। अब एक मोल का चार्ज आप निकालते हैं कि अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल किस तरह होता है 6.022 × 10⁻², ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आता है 96,484 कूलम। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं 96,500 कूलम। तो मास डिपॉजिटेड बाय एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, एक मोल, एक मोल किसी एलिमेंट का किस तरह होता है, उसका एटॉमिक मास के बराबर होता है, ये भी लेवल में पढ़ा है। तो एन मोल जब हम इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, एटॉमिक मास के बराबर मास डिपॉजिट होगा। तो मास डिपॉजिट बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आएगा, अगर एन मोल से एटॉमिक मास के बराबर होता है, वन मोल से कितना आएगा, डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। एटॉमिक मास को अगर हम एन से डिवाइड करें, ये हमने आपको इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन में बताया था, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो मास डिवाइडेड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96,500 कूलम चार्ज पास करना, ये बताया मैंने, एक मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो कितने कूलम पास हो रहे हैं, 96,500 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है, तो ये किस तरह आएगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ गया। अब एक कूलम अगर हम चार्ज पास करें तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, वो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम। बट एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो अमाउंट डिपॉजिट होती है, ये आपने फैराडेज फर्स्ट लॉ में पढ़ा, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा जेड। यही डेफिनेशन हमने लगाई अभी फैराडेज सेकंड लॉ में, जो हमने बताया आपको कि जो जेड वन है ये किसके बराबर आता है, ई वन अपॉन 96,500 कूलम। जेड टू जो है ये किस तरह पर लिखा हमने वहां पे 96,500 कूलम, तो ये हमने वहां पे यूज किए, आपको मैंने वहां पर डायरेक्ट यूज कर ली, ये कैसे ड्राइव होता है यहाँ से। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या मिल रहा है कि अगर किसी रिएक्शन में एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 96,500 कूलम चार्ज पास करने से कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किस तरह होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम्स। नेक्स्ट मान लीजिए आप क्यू कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और कितना मास डिपॉजिट हो रहा है सबस्टांस का, डब्ल्यू ग्राम मास डिपॉजिट हो रहा है, तो क्यू कूलम पास करने से डब्ल्यू पास हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं 100 रुपए में हमारे पास 10 पेन आ रहे हैं, एक पेन कितने का आएगा, तो हम डिवाइड करते हैं, ऐसे हम लिख रहे हैं क्यू कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डब्ल्यू ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, एक कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू कूलम। तो 96,000
कूलम से कितना आएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू 96,500 ग्राम, इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। पर अभी हमें रिसेंटली आपको बताया कि 96,500 कूलम जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होती है वो किसके बराबर होती है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो यहाँ से आपने फार्मूला याद रखना है, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू 96,500 कूलम। अगर आपको दिया गया है कि इतने ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, इतने कूलम पास किए हैं, बताइए इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, तो आपने डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू इंटू 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई करना है, आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बेसिस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ये जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। आज तक आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अक्सर एग्जाम में आता है। अगर आपको समय नहीं आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके लिखे, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कि सर हमें इस बात में डाउट है, मैं आपको दोबारा से उसको साथ आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।